हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो आज भाई घर पे थोड़ी रूटीन सी चेंज हुई, एक दिन ब्लॉग कभी मिल रहा कभी नहीं मिल रहा, अब तो कंटिन्यू ब्लॉग मिलने से। गाड़ी अपनी यहाँ पे गाड़ी लेके गए थे राजेश और जम्मू, अपने लास्ट ब्लॉग में देखा वो लोड होके फिर से आ गई है, तो पाइपें लोड करके आए थे वहाँ पे, यहाँ पे लोड की वहाँ पे ना वो कह रहे हैं हाइट ज़्यादा थी तो उनको झंडे खोलने पड़े, अभी लगा रहे हैं झंडे गाड़ी पे वापस से, और आधे घंटे घंटे में खाली हो जाएगा। वो टायर भी एक पंचर है तो यहाँ टायर खोलेंगे, टायर बनवाते हैं फिर निकलेंगे शाम को वापस जम्मू के लिए। यहाँ से हम मुगल रोड से जा सकते हैं पर मुझे थोड़ा गाड़ी का काम करवाना है, बैटरी थोड़ी सी परेशान कर रही हैं क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा लाइटें वगैरह हैं, उन्होंने खुद लगाई हैं, एक बार हमें अच्छे से इलेक्ट्रिशियन को चेक करवानी है फिर जाना है श्रीनगर। लगा रहा झंडा तो बैठे भाई गाड़ी पे, गाड़ी तो होगी खाली, बस डाला वगैरह बंद कर रहे हैं, वो डाला बंद करके टायर बनवाना था, अभी देखते हैं यहाँ से बनवाए नहीं तो घर के पास जाते हैं वहाँ पर शॉप है वहाँ से बनवाते हैं टायर। तो टायर वगैरह भी गाड़ी का बनवा दिया, तो मेरे को राजेश को थोड़ा काम जाना था इम्पोर्टेंट, हम आ गए छोटी गाड़ी लेके कहीं काम पे, तो सुनील वहीं था फिर राजेश भाई के पापा जंगल को फ्रेंड था, गाड़ी वहाँ से हमने सैर लगवा दी, गाड़ी वहीं खड़ी है, सुनील भी घर आ गया। अब छोटी गाड़ी हमें घर से कंबल लेना है, दो तीन सामान और लेने के लिए, शायद हम श्रीनगर चले जाएंगे, शायद कन्फर्म नहीं है श्रीनगर, शायद लोकल ट्रिप भी दे सकते हैं, श्रीनगर जाएंगे पहले जम्मू जाके काम पे डिपेंड है। आए थे हम थोड़ा कहीं साइड पे, वापस जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, पहले जाएंगे घर पे, इस गाड़ी में रखते हैं सामान, अपनी गाड़ी में रखते हैं सामान, लगाते हैं वहाँ रोड पे, यहाँ पे खड़ी है वो क्योंकि वहाँ पे राजेश के घर के बाहर ही खड़ी है, वहाँ भी टेंशन नहीं है कोई, फिर बस थोड़ा बहुत घूमेंगे शाम को निकलेंगे आराम से 6:30-7 बजे आराम से। आए थे गाइस घर पे, घर से भी ले लिया सामान जो रखना है गाड़ी पे, वो देखो कम्बल वगैरह और कपड़े थोड़े रहते थे, बस जाके गाड़ी पे रख के गाड़ी लॉक करके वहाँ रख के आ जाएंगे, फिर जिनकी गाड़ी है मारुति वो देखे आएंगे और वहाँ से ले लेंगे बाइक, बस फिर घर पे खाना खाएंगे, कुछ रिलेटिव भी आए खाना खा के फिर निकल जाएंगे 8:30-9 बजे जम्मू के लिए, तो देखते हैं जाके कहाँ का लोड करते हैं क्या करते हैं। आगे भाई गाड़ी के पास अपनी और राजेश भाई के पापा की गाड़ी उधर, बस यहाँ पे मोड़ के लगानी है मेरे को, बस फिर इंतज़ार करना है शाम का जब हम निकलेंगे यहाँ से। क्या कर रहे हैं गेम? ऊपर से 5 बजे हमारी गेम चल रही है और टायर हवा काट हुई है यार। अच्छा लो भी शो पर थोड़ा करो ना भरा, ये जलील करी करते हैं सभी भाई, सभी बोलो लविश भाई दौड़ो पतले हो जाओ। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ यार होता ही नहीं यार, मोटा होता जा रहा है। मोड़ दी गाड़ी तो पापा के ऐसे घर में चिकन बनाया तो शाम को खा के निकलो क्योंकि अब पता नहीं अब 2-3 महीने में घर आएंगे तो सो उनको भी उम्मीद रहती है। गाड़ी वहाँ पे ऐसी लोकेशन पे बस मोड़ के खड़ी कर दी, करिए लाख कुछ चला फिर रुकने आना पे गाड़ी लगा के आ गए हम तो पहले आ गए थे भाई, फिर जेज वापस गया क्योंकि भाई किराया भी लेना था ना, जहाँ का माल है उनसे किराया भी तो लेना है। आगे घर पे भाई ये देखो हमारा कुत्ता रास्ते में घूम रहा है, इसको शर्म ही नहीं है, दो है हमारे पास आगे घर पे, बस अब थोड़ी देर घर पे बैठेंगे 2-3 घंटे फिर देखते हैं कब निकलेंगे। जब घर से निकलो मन नहीं करता घर से जाने के, सच्ची बता रहा हूँ, थोड़ा मतलब इमोशनल हो जाता है, पर निकलना तो है काम तो करना ही है। घर से निकलेंगे तो घर के लिए कुछ कमा पाएंगे, खाना वगैरह बन गया भाई, फिर से हमें सीमेंट भर के आना है घर के पास ही क्योंकि साहिल भाई अभी जा रहे हैं, मेरे को उनका इंतजार करना है, तो मैंने कहा था कि लोकल ट्रिप और लगाते हैं, अभी चल रही है पंप पे बात जिनका मैं लाना सीमेंट वो कन्फर्म करें, शायद रात को हो जाएगा, मॉर्निंग में गाड़ी हो जाएगी लोड, बस खाना खा के निकलते हैं। आगे अपनी गाड़ी के पास खाना पीना खा के अब हम निकलेंगे क्योंकि आगे गाड़ी इंतज़ार करी उसको वहीं सीमेंट के पास जाना, यहाँ पे सीमेंट लोड करना है, तो निकलते हैं टाइम से यार, अभी 8:30-7:30 हो गए, 11:30-11:12 बजे हम कठुआ पहुँच जाएंगे, थोड़ा सोएंगे फिर सुबह गाड़ी लोड हो जाएगी, होप अगर जल्दी गाड़ी लोड हो जाए ना तो हमें जो इलेक्ट्रिशियन का काम है वो करवाएंगे कल, सेल्फ अल्टरनेटर साफ। आगे गाइस अपने सफ़र की तैयारी, अपना सफ़र कंटिन्यू हो गया निकल के घर से, जस्ट अभी निकले हम बाखर से, ये वाइट लाइट लगाई है काफ़ी ज़्यादा लाइट है और ये ना भाई चेंज भी होती है कलर, मतलब अपना कलर कलर भी चेंज कर लेती है, अभी आगे गाड़ी इंतजार कर रही है अपना रास्ता पता है भाई, पहुंचने वाले रात से और क्रॉस कर दिया हम बामला पहुंचने वाले और खाली गाड़ी में काफ़ी दिक्कत है यहाँ पे चलने में क्योंकि पूरा रास्ता कच्चा है, वो सब भाई लोग मिलते मिलते जा रहे हैं, यहाँ पे भी सब दुकान वगैरह बंद कर रहे हैं जो काम काज करते हैं और यहाँ तक मैं रहने वाला हूँ लोकल में, तो सब भाई पहचानते हैं अच्छे से, धीरे धीरे जा रहे हैं खड्डे में, खाली गाड़ी खड्डे में बहुत परेशान करती है हमको, भाई रुके यहाँ पे, यहाँ पे बन रहा है भाई टनल,
अपना काली तार से। इसका रोड थोड़ी ठीक है यार, क्योंकि इसके अगर रोड को छेना ही नहीं, क्योंकि टनल है, तो जहाँ से टनल बाहर आएगा वहाँ से ही इनको काम करना है कंस्ट्रक्शन ऊपर नहीं। यहाँ से अगर रोड भी सही है, अजीब अजीब सी मशीन है जो हमने कभी देखी नहीं है, जो टनल के काम पे वर्क पे यूज आती है टनल के काम पे। पहुँच के गाइस अपना जो चुनाब नदी है जो हमें ये मिलती है भाई अखनूर में भी, वो अखनूर में और रामबन में, ये वही नदी है जो वहाँ से घूम के यहाँ पे आती है चुनाब नदी। वहाँ पे इसमें पानी फिर भी कम रहता है, यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाता है। और साहिल भाई पहुँच गया अभी उधमपुर, और हम मिलेंगे काफ़ी टाइम के बाद साहिल भाई से, तकरीबन मान के चलो एक महीने के बाद। वहाँ पे रुकेंगे सांबे पे, आराम से मिलेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, फिर उनकी मंडी है सुबह की, वो निकल जाएंगे और मैं कठुआ जाऊँगा उनके साथ। तो यहाँ से मुझे लोड करना है कठुआ सीमेंट सुबह सुबह, वहाँ पे अब हम जो आगे जम्मू डिवीज़न में, यहाँ से नाका आ गया, पूरी करूँगा यहाँ पे जम्मू पहुँचने वाले। थोड़ा जम्मू से हम जो अखनूर की तरफ रास्ता था मुगल रोड की तरफ, वहाँ पे 5-6 किलोमीटर का फ्लाईओवर बन गया, क्योंकि यहाँ पे सिटी काफ़ी ज़्यादा थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम था। फ्लाईओवर के ऊपर से निकलने सीधा सिटी में एंट्री करेंगे, सिटी के बीच या भी कोई नो एंट्री नहीं, निकल जाएंगे पार। चलते हम सीधा सिटी में, जम्मू तवी ब्रिज हो गया, देखो ब्रिज में क्या लाइटें लगी हैं। दो पार है, एक अलग कलर में है, एक उस तरफ भी है भाई, तो देखो वो भी अलग कलर में दिखाई दे रहा है। दारू भी क्रॉस कर दी सांबा बाजार भी क्रॉस करके मैं आप पहुंचे, मतलब कठुआ थोड़ा पहले हूँ। यहाँ पे एक चाय वाली दुकान है, वहाँ पे हम अक्सर रुका करते हैं। साहिल पे पहुंचा बटल मोड़, वो दार रोड से आ रहा है, बस मान उसका करेंगे इंतजार, चाय वगैरह पियेंगे। रजेश सो रहा है, भाई जाग रहा है, चाय वगैरह पी के चलेंगे। और 12:30 हो गए, तकरीबन 2 बजे तक पहुँचेंगे जहाँ हमें जाना है। सुबह 5 बजे लोडिंग भी होगी, तो लोगों को टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अभी जाग रहा हूँ, बाद में सुबह लोडिंग रजेश करवा लेगा और मैं सो जाऊँगा। दो बंदे गाड़ी चलाने वाले हैं, फिर टेंशन नहीं रहती सोने की, क्योंकि एक जाग रहा हूँ फिर एक सोया भी हो, फिर गाड़ी का काम चल पड़ता है। पहुँच के हम यहाँ पे, हमें चाय वगैरह पीनी है अभी। टाइम भाई साहिल भाई का इंतज़ार करते करते ना यार, एक सेकेंड, 1:15 हो गए, पता नहीं कब तक आएगी साहिल भाई गाड़ी, कोई भी गाड़ी आ रही लग रहा वही आने वाली है। चाय पिए यहाँ से कठुआ थोड़ा ही है, 15-20 किलोमीटर है। सुनील को तो नींद आ रही है, रजेश तो सोया है भाई, देखो मस्त नींद ले रहा है अभी। इसको ना बड़ा शौक है घूमने का, कैसा लग रहा है, सही है अभी भी ठीक है? मेरे को खुद भाई बहुत नींद आ रही है अभी, 5-6 दिन घर में मस्त सोए ना अभी, तो भाई थोड़ा मुश्किल हो गया। बस चाय वगैरह पियेंगे फिर पहुँचे फैक्ट्री के बाहर, यहाँ से हमें सुबह लोड करनी है, फिर कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पे सो जाएंगे, वहाँ पे तो सुबह रजेश उठ के लोड कर देगा। पर इसको फिर उठना पड़ेगा भाई को भी, क्योंकि जो तीसरा बंदा होता है ना उसको भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। और एक क्वेश्चन आ रहा था कि आप गाड़ी लोड कैसे करते हो, मतलब आपको कैसे पता था कहाँ से क्या माल है? मतलब मैंने पहले ही बताया था भाई कि मतलब वहाँ जैसे हम जाते हैं, हमें पता होता है हर जगह का ट्रांसपोर्ट नगर होता है, इंडस्ट्री एरिया होता है हर जगह का। जैसे आप कहीं भी जाएंगे, हम किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ का इंडस्ट्री, यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह लोड होती हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होती हैं। जैसे मतलब एक ट्रांसपोर्ट होगी जो जैसे बिहार यूपी गुवाहाटी उस लाइन में माल भेजेगी, एक ट्रांसपोर्ट होगी जो साउथ लाइन में माल भेजेगी, ऐसे करके ट्रांसपोर्ट होती है। हमें जैसे हम बाहर हैं, बाहर से हमें जम्मू आना होता है, हम देखते हैं जो पंजाब J&K में ट्रांसपोर्ट भेजे माल भेजे, उस ट्रांसपोर्ट से हम कॉन्टैक्ट करते हैं। जैसे 2-4 ड्राइवर भाई उनसे पूछ के उस ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, और उनके पास फैक्ट्रियों से माल की डिमांड होती है, फैक्ट्री वाले उनको कहते हैं ट्रांसपोर्ट वालों के, हमें 10 चक्का चाहिए या 12 चक्का गाड़ी चाहिए जैसे जम्मू या श्रीनगर के लिए, तो हम इतना रेट देंगे। हम ट्रांसपोर्टर के पास जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि इस गाड़ी का माल है इतना रेट है, अगर आपको 12 है तो आप भर लीजिए, नहीं तो क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो वैसे भी सर्कल चलता रहता है। मैं ना कॉन्टैक्ट और जैसे इंसान पहला आप मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि बंदा पहली गाड़ी लेगा सीधा जाके चला जाए अचानक से गाड़ी भरेगा, नहीं भाई, कई जगह से हमें भी दिक्कत आती है अभी। तो भाई देखो मेरी अच्छी पहचान है, आप सबका प्यार है, तो मैं आगे पीछे से नंबर ले लेता हूँ, जो नया इंसान होगा उसके लिए काफ़ी दिक्कत आएगी। जो इंसान पहले कनेक्टिव वगैरह कर रहा है, गाड़ी सीख के उसको पता है कौन से रूट से कहाँ से क्या माल निकलता है, कौन से टाइम में क्या सीजन आता है, भाई वो इंसान कामयाब है। चाय पी ली अपनी, गाड़ी भी होगी स्टार्ट, थोड़ी देर रजेश को उठाया मैं, बोला भाई अब चलो, तो मैं साहिल भाई गाड़ी में आता हूँ। ये साहिल भाई की गाड़ी, मिलवाएंगे साहिल भाई से भी, चलो 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 चलो। आईफोन में तो मस्त आ रहा हमारा भाई, आ रहा हूँ मैं मस्त। पहुंच के मुझे इस कट से अंदर जाना है, बस यहाँ पे बातचीत करेंगे,
हेलो सर जी, नींद आई है? सही है। अभी बज रहे हैं 3:30। हम इस गाड़ी के कारण रस्ते टाइट, अपनी गाड़ी वहाँ पे, बस हमें अंदर जाना है यहाँ से 2.5 किलोमीटर, वहाँ पे जाकर रुक जाएंगे हम 2.5 किलोमीटर। और ये देखो भैया, पता नहीं सुबह सुबह किधर जा रहे हैं, शायद कहीं जा रहे होंगे दूर, तभी तैयार होके आए। रजेश भी जाग गया, मैं भी जाग गया, अब सुबह पता नहीं कब गाड़ी लोड होगी। पहुँच गए भाई सत्यम फैक्ट्री, यहाँ से हमें लोड करनी है गाड़ी। अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं जाग रहा, वहाँ पे कांटा भी है, कुछ गाड़ियाँ वहाँ पे भी खड़ी हैं, उस साइड पे कुछ, यहाँ पे खड़ी हैं। हमने वहाँ से हम यहाँ से टर्न करके यहाँ पे हमें लगा ली गाड़ी। यहाँ पे पत्थर उतरते हैं इनके, अब रास्ता जो पता नहीं कहाँ से लोड होनी, यहीं खड़े करेंगे, जब सुबह को उठाएगा तो उठ जाएंगे, यहाँ से लोड होगी वहाँ चले जाएंगे। मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग पर। सो बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। शूज़ वगैरह खोलते हैं, बस जिस जिसके पाँव से स्मेल होगी भाई अपने पाँव धो लेना। तेरे तो मेरे में नहीं है, मैंने आज ही सॉक्स नहीं पहनी है।